एक एमएलए, एमपी, राज्यसभा मेंबर तीनों पेंशन लेते हैं, उन्हों क्यों पेंशन लेते हैं? हम 4 साल 30 साल नौकरी करके है, क्या भी पेंशन नहीं तो कैसा घर को जाने का? हमको पेंशन दो, नहीं तो उनका पेंशन भी रद्द करने को बोलो। वो एमपी एमएलए सब पेंशन लेते, हम पेंशन लेने का नहीं। अदानी अंबानी के लिए काम कर रहे हो, हम भी देश की जनता है, हम क्या प्रदेश की जनता है, हम भी इस देश की जनता है। कर्नाटक में गवर्नमेंट को, बीजेपी गवर्नमेंट को उखाड़ के फेंक दिया हम, हो या ऑल ओवर इंडिया में सेम वही होगा। जो 2024 में मोदी सरकार उखाड़ के फेंकेंगे हम, सुनना पड़ेगा। ये संवैधानिक देश है, प्रजाप्रभुत्व का देश है, सुनना पड़ेगा। सरकार को समझना चाहिए, एम्प्लॉइज का तकलीफ क्या है समझना चाहिए। हाँ, हमारा जिंदगी का सवाल है, सरकार को सुनना ही पड़ेगा इस बार। तो सरकार गिरी जाएगी, दूसरा सरकार आएगी। तो नमस्कार, मैं ऊर्जा और आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के रामलीला मैदान में। यहाँ पे सरकारी कर्मचारी मौजूद है, अलग अलग राज्यों से लोग आए, एक बार फिर ओल्ड पेंशन स्कीम को लेके ये लोग आए हैं। दोबारा भारी जनसंख्या में फिर से लोग आए हैं और यहाँ पे हमारे साथ जो बातचीत करने के लिए लोग मौजूद है वो कर्नाटका से है। तो इन्हीं से हम बात करेंगे कि पिछली बार भी लोग आए थे ओल्ड स्कीम पेंशन को लेके, उस तक तो सुना नहीं गया, आपको लग रहा है इस बार सुनेगी सरकार? सुनना पड़ेगा, क्योंकि कर्नाटक का एक एग्जांपल है एनपीएस की मांग। कौन नहीं सुनेगा उनका, क्या बोलत है कर्नाटक में हम दिखा रहे हैं। अभी पूरा देश में यही होगा, न्यू पेंशन स्कीम को स्क्रैप करना होगा, ओल्ड पेंशन स्कीम को जारी करना होगा। आपको फायदा नहीं हुआ है न्यू पेंशन स्कीम से? न्यू पेंशन खराबी है उसमें? न्यू पेंशन स्कीम एक ही बात में कहना था, ये तो मरण शासन है एम्प्लॉयज का। न्यू पेंशन स्कीम तो मरण शासन है। ओल्ड पेंशन स्कीम में सामाजिक भद्रता है, इसमें कोई नहीं है, शेयर मार्केट डिपेंडेंट है, बाल बच्चों को देख नहीं सकते हम 60 ईयर्स के बाद। इसलिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करना जरूरी है, केंद्र सरकार पर हम दबाव डाल रहे हैं, उसको जारी करना ही होगा। तो ये दबाव डालने से कुछ लग रहा है फायदा होगा आपकी, जो ये मांगे है सुनी जाएगी? सुनना पड़ेगा, ये संवैधानिक देश है, प्रजाप्रभुत्व का देश है, सुनना पड़ेगा। अभी गवर्नमेंट थोड़ा टफ है, फिर भी हम हमारा मांगे से पहले भी आप लोग आए थे, तब तो मोदी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा, लग रहा है इस बार पड़ेगा कुछ? मैडम, अभी एक एमएलए, एमपी, राज्यसभा मेंबर तीनों पेंशन लेते हैं, उन्हों क्यों पेंशन लेते हैं? हमको क्यों पेंशन देते हैं? हम 4 साल 30 साल नौकरी करके है, क्या भी पेंशन नहीं तो कैसा घर को जाने का? ये जवाब हेल्थ इश्यू रहते हैं, मेडिसिन का ये रहते हैं, हमको पेंशन दो, नहीं तो उनका पेंशन भी रद्द करने को बोलो। वो एमपी एमएलए सब पेंशन लेते, हम पेंशन लेने का नहीं। कर्नाटक में गवर्नमेंट को, बीजेपी गवर्नमेंट को उखाड़ के फेंक दिया हम, वो ऑल ओवर इंडिया में सेम वही होगा। वो हमको पेंशन कह रहे हैं कि हम ही आएंगे, आप लिख के लीजिए 2024 में, जो 2024 में मोदी सरकार उखाड़ के फेंकेंगे हम, जरूर जरूर उखाड़ के फेंकेंगे। वो मजदूर के साथ भी नहीं और एम्प्लॉइज के साथ भी नहीं, रहे हैं हम जनता के लिए काम करते हैं, जनता देश की सेवा करते हैं। अदानी अंबानी के लिए काम कर रहे हो, हम भी देश की जनता है, हम क्या प्रदेश की जनता है, हम भी इस देश की जनता है। हम मोदी के काम से सहमत नहीं है, आप इतना काम कर रहे हैं। हम जस्ट यहाँ मांग कर रहे हैं एम्प्लॉइज के लिए कुछ अच्छा कर दो, नया पेंशन हटा के ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दो, यही हमारे लिए अच्छा होगा। लेकिन जो है मोदी सरकार ने तो राम मंदिर बना दिए और रोजगार दे दिया, उस पे पैसा खर्च हो गया, अब कहाँ से लाएंगे आप लोगों के लिए पैसा? हम लोग के लिए पैसा लाना होगा, क्योंकि हम राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, हम सरकार के लिए काम कर रहे हैं, हम सरकारी कर्मचारी है। हम किसके लिए काम कर रहे हैं? हम सरकार के लिए, हम देश के लिए है। तो सरकार के लिए काम करिए ना, आप तो लालच दिखा रहे हैं। हम भी आदमी है, हमारा बाल बच्चा है, हमारे मरने के बाद वो क्या वही मर जाए, हम भी 60 ईयर्स के बाद वही मर जाए, क्या हम जीना हमारा हक नहीं है? आप ही लोगों को बोला जाता है, जीना हमारा हक है। आप ही लोगों को बोला जाता है कि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो काम नहीं करते हैं, मुफ्त का पैसा लेते हैं। कौन बोलता है? जैसे हमारा एक एग्जाम्पल देता हूँ, पोस्टल डिपार्टमेंट, ऐसे ईमानदार पोस्ट एम्प्लॉइज है, 100% हम अपना योगदान देते हैं, सवेरे से लेकर रात भर हमने काम करके अपना डिपार्टमेंट को हमने बचाने के लिए 100% कोशिश कर रहे हैं हम लोग। कौन बोलता है कोविड के टाइम पे कौन काम किया?
कोविड की टाइम क्या हर देश घर में काम किया तो एक्स्ट्रा पैसे मिले? नहीं नहीं, कोई कोई घर से बाहर नहीं आया। हम कोविड पे एक दिन भी घर में नहीं गए। हम रास्ते पे थे, हम कचहरी में थे। हम हैं सार्वजनिक के लिए, हम हैं देश के लिए, हम हैं सरकार के लिए। हम इसलिए मांग कर रहे हैं सरकार भी हमारे लिए कुछ करे। बहुत कुछ नहीं करना चाहिए, सिर्फ पेंशन देना चाहिए। वही बोल रहे हैं हम क्या करना चाहिए सरकार के लिए हम कर रहे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने से हमारा थोड़ा भलाई होगा, उसके लिए हम मांग कर रहे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करिए और NPS हटाइए। लग रहा है सरकार करेगी, आपकी मांग सुनेगी? हम आशा करता है सरकार सुनेगी, नहीं तो सुनना जैसा करेंगे हम। सरकार को समझना चाहिए एम्प्लॉइज का तकलीफ क्या है, समझना चाहिए। हाँ, हमारे जिंदगी का सवाल है, सरकार को सुनना ही पड़ेगा इस बार। तो अगर नहीं सुनेगी तो फिर आप क्या? नहीं सुनेंगे तो सरकार गिरी जाएगी, दूसरा सरकार आएगी तो। हाँ, सब जनता जानते हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम तो कोई पक्ष का नहीं करते, हमारा मांग के लिए हम लड़ रहे हैं। हम कोई पक्ष का नहीं है, हमारा मांग यही रहेगा। कोई भी सरकार आए, हमारा मांग पूरा होना चाहिए, यही हमारा एक डिमांड है। तो ये थे हमारे साथ कर्नाटका के लोग जो अपनी मांग रख रहे हैं और कह रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लाया जाए। सबके मतलब जो लोग बाहर के लोग हैं उन लोगों को तीन तीन पेंशन दे दी जाती है, लेकिन इन लोगों के साथ ऐसा दुर्चार क्यों करा जा रहा है? तो उसी की मांग को लेकर ये लोग आए हैं। पहले भी आए थे, दो रैली करी थी, उसके बाद भी सरकार ने नहीं सुना, ये तीसरी रैली लेकर आए हैं। अब देखते हैं सरकार इनकी कहाँ तक सुनती है, और देखते रहे जनता आवाज़।